शुक्रवार से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएं नियमित की गई है, लेकिन उज्जैन में पहले दिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रही। कोविड 19 और सरकार की ओर से जारी SOP का पालन करते हुए स्कूल में छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। हालांकि पहले दिन के स्कूलों में बच्चों की संख्या कम दिखाई दी। शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय माधवनगर और शासकीय उच्चतर कन्या महाविद्यालय दशहरा मैदान में छात्र छात्राएं कम ही पहुँचे हैं। उज्जैन जिले के करीब 200 से अधिक शासकीय विद्यालय को खोला गया है। प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर कक्षाएं नियमित की गई हैं। कोविड 19 की गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी है, इसका पालन करते हुए छात्र छात्राओं को कक्षा में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रत्येक दिन 2 पारियों में कक्षाएं चलाई जाएंगी। पहली पाली सुबह 8 से दोपहर 11 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 11:30 से 2:30 बजे तक रहेगी। इसमें 50% छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। स्कूलों में छात्र छात्राओं को बैठाने के लिए 6-6 फीट की दूरी रखी गई है। वहीं प्रवेश करने पर मास्क दिए जा रहे हैं। वहीं हाथों को सैनिटाइज करवा कर ही प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं ज्यादातर अभिभावक अभी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। जहां एक ओर पढ़ाई ठप होने से उन्हें बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता है, वहीं दूसरी ओर उनके स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहने की जागरूकता है। 10वीं और 12वीं की कक्षा शुरू होने के बाद छात्र छात्राएं स्कूल पहुँचने लगे हैं। ऐसे में छात्र छात्रा भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए स्कूलों में दिखाई दिए। वहीं स्कूल प्रबंधन ने छात्र छात्राओं को बिठाने के लिए निश्चित दूरी तय की है। छात्र ने बताया कि स्कूल ने कोविड 19 के तहत स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं की हैं। वहीं हम लोग भी मास्क का उपयोग कर रहे हैं। बच्चे तो अभी सुबह की शिफ्ट में तो कम आए हैं, बहुत कम संख्या है, लेकिन नियमों का पालन तो पूरी तरह करवाया जाएगा। सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था है। हर शिफ्ट के बाद 2 शिफ्ट में बच्चे बुलाएं, हर शिफ्ट के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। और सुबह भी परीक्षा चल रही है तो सैनिटाइज किया गया, सब बच्चों को बिठाया गया। रुझाना नहीं कि परीक्षा चल रही है। 10वीं बोर्ड के करीब 202 बच्चे बैठे हुए हैं, परीक्षा दे रहे हैं। और नीचे के विंग में जो है बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार तो स्कूल खोलना है, लेकिन पेरेंट्स का जो फीडबैक आ रहा है उनका तो यही कहना है कि स्कूल नहीं खुले तो ज़्यादा ठीक है, मतलब भेजने के लिए राजी नहीं है। सर, हमारे पेरेंट्स पहुँचा रहे हैं और कह रहे हैं कि मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहना, और विद्यालय में प्रवेश करने के पहले वहाँ गेट पे सैनिटाइज़र रखा गया है ताकि कोई भी बच्चा आए और सैनिटाइज़र लगाकर ही विद्यालय में प्रवेश करे। एक बेंच पे एक बच्चा बैठता है, फिर दूसरी बेंच पे दूसरा बच्चा बैठता है, दूर दूर। ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा था ताकि घर पे बैठे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकते थे। यहाँ पे बच्चों की संख्या भी कम है थोड़ी। फिर